मंच पर विराजमान श्री मांगीलाल जी भाई साहब, सीडीओ रेवदर, हमारे साथी अधिकारी श्री पूनम सिंह जी, एसीडीओ रेवदर, श्री दुर्गेश जी मेरे साथी एपीसी, ग्राम पंचायत जौलपुर के सरपंच जी, जौलपुर के हमारे प्रधानाचार्य जी, यहाँ बैठे हुए वाकपीठ के अध्यक्ष भाई शंकर जी, सचिव और हमारे लेखा विभाग के बड़े अधिकारी ब्लॉक के डबल ओ सर, काफी चीज दुर्गेश जी ने कही, मैं एक उसी से जुड़ती हुई बात से अपनी बात को शुरू करूंगा। क्लास तक के स्कूल के हैं सभी लोग, सही कह रहा हूँ, केवल 12वीं क्लास तक के स्कूल के एक बैठे हैं स्टेज पर, प्रिंसिपल साहब। आप लोग ये देखना, कभी पता करने की कोशिश करना, जो भी आपकी स्कूल के पास की बड़ी स्कूल है, चाहे वो 10वीं है चाहे 12वीं है, उसका कक्षा 9 का कितना रिजल्ट रहता है वो पता करने का प्रयास करना, पिछले साल का कितना रहा और उससे पहले का कितना रहा, 2017-18 और 2018-19 का, तो आपको बड़े आश्चर्यचकित आंकड़े मिलेंगे कि 50% रिजल्ट रहता है कौन सी क्लास का, 9th का। और अगर बोर्ड का रिजल्ट हम पूछने आएंगे उनसे 10वीं का, तो बोर्ड का रिजल्ट लगभग 70-80% के बीच में रहता है, जिले का एवरेज मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 9th में पढ़ने वाले आधे बच्चे फेल होते हैं और 10वीं में पढ़ने वाले लगभग 70 बच्चे 100 में से पास होते हैं। 10वीं क्लास जो कि बोर्ड क्लास है, माध्यमिक सब बोर्ड से पेपर आते हैं, उसके लिए काफी तैयारियां भी करते हैं, बच्चे भी तैयारी करते हैं, टीचर भी तैयारी करता है। 9th एक ऐसी चीज है जो 9th के लिए लोकल एग्जाम होता है और उस 9th के बारे में कहीं ना कहीं गैप है ना। तो मैं ये बात काफी कहता रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी काफी गई मैंने ये बात, शायद आप लोगों ने किसी ने सुनी होगी, आज वापस इसी बात को आपको इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि आप इतने सारी संख्या में मिले हो आज। जब हम सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं और वहाँ प्रिंसिपल सर से, हेडमास्टर से, वहाँ के सेकंड ग्रेड से, लेक्चरर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सब नीचे से जो आ रहे हैं बच्चे, नीचे से मतलब मिडिल स्कूल से 8वीं पास करके, वो कमजोर आ रहे हैं, इस वजह से हमारा 9th का रिजल्ट कमजोर रहता है। मतलब वो सीधा सीधा आरोप किस पे लगाते हैं, आप पर लगाते हैं। आपसे मैं बात करता हूं, कई स्कूलों में मैं गया, काफी मेरे मित्र यहां भी बैठे हुए, उनसे ही बात करते हैं, वो कहते हैं साहब क्या करो, ऐसा आईटी लिया है आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इस वजह से हमें पास करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। मतलब दोनों तरफ से तर्क आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे से कचरा आ रहा है और आप लोग कहते हो आरटीई आ गया इस वजह से ये हो रहा है। ओम जी बहुत पुराने आदमी आगे बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा मनन और चिंतन करने का विषय है हमारे लिए, ऐसा क्या किया उन 9th वाले उन बच्चों ने जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रारंभ भी नहीं किया, जो अभी तक अपने बारे में अच्छे बुरे के बारे में जानते नहीं है, विशेष करके लड़कियां जो 9th क्लास में पढ़ती है, आधी फेल हो जाती है, फेल कर दी जाती है, अगर ये भी कहा जाए तो कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं है। और जब ज्यादा डिटेल में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने इसलिए फेल करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट खराब नहीं करे, हमारा रिजल्ट से मतलब बोर्ड का रिजल्ट, 10वीं का रिजल्ट। अब आप पर जो कलंक लगता है कि नीचे से कचरा आ रहा है, तैयारी नहीं करा रहे हो, तो यहां मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा लगे तो इसको आप इंप्लीमेंट करना, और करना भी चाहिए। वो ये कि आरटीई में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 8वीं तक नहीं पढ़ाना है, उसमें यह जरूर लिखा है कि 8वीं तक बच्चे को परीक्षा के भय से, साथी जो अभी तक स्कूलों में बैठे हुए हैं, जो आज यहाँ नहीं है आपके साथ है, आपके साथ ही सब लोग मिलकर एक मीटिंग टाइप करके इस तरह का सोचे कि क्या किया जाए ताकि हमारे ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगे। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि हम शैक्षिक तौर को थोड़ा सुधारें, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी खुद की प्लानिंग करें
और एक इस तरह के बच्चे तैयार करके 8th से हम 9th में भेजें ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट वहाँ जाकर दें और उन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे। ये तो एक मैं आपको मैसेज करना चाह रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट से है तो प्रोजेक्ट की दो या तीन बात मेरे हिस्से में, मैं वो कर देता हूँ फटाफट। अभी उत्कृष्ट विद्यालय जो भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उत्कृष्ट विद्यालय जो हमारा UPS है, कहीं पर PS होगा, वहाँ वार्षिकोत्सव मनाए जाने हैं। कुछ जगह पर हो चुके हैं, बाकी जगह पर होना है। उसके बारे में डिटेल एक चिट्ठी हमने डाल दी है आपको, अभी पूनम जी सर आज या कल में और पूरा यहाँ बता भी देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। उद्देश्य केवल मात्र ये है उसका कि अभिभावकों का, ग्रामीणों का, जनप्रतिनिधि का, भामाशाह का, दानदाता, समाजसेवी, सहयोगी, जो भी है, किसी भी नाम से जान लो, उनको स्कूल में लाना है। स्कूल में लाकर हम क्या कर रहे हैं वो उनको दिखाना है। हमारी प्रतिभाएं क्या है, डांस के रूप में, एकल गान के रूप में, नाटक के रूप में, रोल प्ले के रूप में, रिजल्ट के रूप में, हमारी प्रतिभाएं क्या है वो उनको बतानी है। और एक स्कूल का इस तरह का एक चित्र उनके सामने रखना है, समाज के सामने, कि उससे हमको दो तरह के लाभ हो। एक तो शैक्षिक लाभ, बच्चा नियमित स्कूल आए, प्रवेशोत्सव के समय ऑटोमेटिक बच्चा हमारे स्कूल में आकर एडमिशन ले ले और पूरे साल उसका ठहरा हुआ। दूसरा इसका लाभ ये लेना है हमें कि विद्यालय में जो भी जरूरत है, चाहे कक्ष को लेकर या चार दीवारी को लेकर या गार्डन को लेकर या सामग्री को लेकर, मरम्मत को लेकर, वो जरूरत जो है वो उनसे हम पैसों से या सामग्री के रूप में विद्यालय में सहयोग लेकर उसको हम पूरा करें। यानी आर्थिक सहयोग भी लेना है सामग्री के रूप में, चाहे धन के रूप में, और दूसरा उनसे शैक्षिक सपोर्ट भी हमको लेना है। इस उद्देश्य को लेकर आपको ये वार्षिक उत्सव मना रहे और उसकी आप व्यापक तैयारी करें। इसके लिए प्रोजेक्ट के द्वारा आपको पैसा भी दिया जा रहा है, पर स्कूल 5,000 रुपया है, बहुत कम राशि है ये। 5,000 रुपया एक तरह से परिषद ये कहता है कि टोकन मनी है एक तरह से, कि 5,000 आपको उस काम को स्टार्ट करने के लिए है। लेकिन उस काम के लिए माइक की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, इनाम की व्यवस्था या और भी जो कोई व्यवस्था आप चाहते हो वो आप भामाशाहों से, गांव वालों से मिलकर आप करें, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट उस कार्यक्रम में बढ़ेगा। इस तरह से आप इसको व्यापक स्तर पर आप आयोजित करें और विद्यालय में दोनों तरह की, मैंने बता दी आपको, आर्थिक सहायता और दूसरी शैक्षिक सहायता, दोनों उनसे जितनी ले सके उतनी हमको लेनी है। और एक बहुत ही अच्छा आदर्श माहौल बनाना है, और माहौल बनाकर हमारे स्कूल का निकला हुआ बच्चा, चाहे वो प्राइमरी है तो 5वीं से 6वीं में जब जा रहा है, और मिडिल है तो 8वीं से जब वो 9वीं में जा रहा है, तो वो इस रूप में पहुंचे बड़ी स्कूल के पास कि उस बच्चे के लिए किसी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप उस स्कूल को लगाना नहीं पड़े। इतना हम तैयार करके उसे भेजें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।